स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुजरात विधानसभा चुनाव पर सबसे बड़ा शो किस्सा कुर्सी का। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी दो बड़ी खबरें आज हम आपको दिखाएंगे। पीएम मोदी ने आज भरूच में चुनावी रैली की। इस रैली के बाद भरूच में किसका पलड़ा भारी है, भरूच की जनता मोदी को लेकर क्या सोचती है, यह हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे विदेशी मेहमानों के स्वागत में इस्तेमाल होने वाले मोदी के पसंदीदा झूले, संखेड़ा पर छाए संकट का पूरा विश्लेषण। प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात के दौरे पर हैं। दो दिन के दौरे की शुरुआत मोदी ने आज भरूच से की। मोदी की भरूच रैली में लोगों की आज भारी भीड़ देखने को मिली। मोदी ने इस जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज भरूच में प्रधानमंत्री मोदी की रैली थी और इस दौरान कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर रही। उत्तर प्रदेश में दशकों सुधी कांग्रेस नु एक चक्री राज चाल्यो। हमारा उत्तर प्रदेश में चूंटी ने हमारा बे दी पहला परिणाम आया। शू थू भाई शू थ उत्तर प्रदेश वाला कांग्रेस ने बराबर ओळखी गया कि नहीं ओळखी गया। गुजरात पण आ कांग्रेस नी लीला ने बराबर जाने छे। शिक्षित ने अशिक्षित ने लड़ावाना, एक जाति ने बीजरी जाति जोड़े लड़ावानी, एक संप्रदाय ना लोगों ने बीजा संप्रदाय ना लोगों साथे लड़ावाना। तमे लड़ता रहो मरता रहो अने कांग्रेस मलाई खाती रहे। मोदी की भरूच रैली के बाद जनता बीजेपी को लेकर क्या सोचती है, सवाल यह भी है कि आखिर भरूच में किस पार्टी का पलड़ा भारी है। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम ने मोदी की रैली खत्म होने के बाद जनता का मूड टटोला है। देखिए क्या कहा जनता ने। गुजरात चुनाव में नारों का शोर है, मोदी आवे छे या कांग्रेस आवे छे, नवसर्जन लावे छे, लेकिन इंडिया न्यूज यहाँ पर राजीव आवे छे लोगों की राय जानने के लिए। आखिर लोगों की राय क्या है इन चुनावों को लेकर। हम इस वक्त भरूच जिले में पहुंचे हुए हैं और ये कसक चौराहा है यहाँ का। खास बात भरूच की, यहाँ का सिंह नाना यानी मूंगफली बहुत फेमस है। ये पोर्ट सिटी है, इसके किनारे समुद्र है, नर्मदा भी यहाँ से बहती है। लेकिन इस बार वोट किस तरफ बहेंगे, लोग दिमाग में क्या होगा, इश्यूज क्या हैं, इसी चौराहे पर जान लेते हैं, क्योंकि इसी तरीके से हम लोगों से फीलिंग लेने की कोशिश करेंगे क्या होने वाला है भरूच में। भरूच में सब गुजरात में होने वाला है। क्या होने वाला है? बीजेपी आने वाली है। बीजेपी आने वाली है। कितनी सीटें? 150 से ज्यादा आएगी। लीजिए, इन्होंने अमित शाह को भी फेल कर दिया, वो 150 से ज्यादा कर दी। इसकी इसमें क्या है कि जो पहला जो आंदोलन चलता था कि विकास गांडा है, विकास गांडा है, ये सही बात है, विकास हुआ ही है। जो लोग राजकारण करते हैं उसको मालूम नहीं है। गुजरात मॉडल भी है, विकास भी हुआ है और करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। युवा है यहाँ पर, विकास वाकई गांडा थे छे। पागल हो गया है क्या? नहीं, वो पागल नहीं हो गया है, वो बराबर चल रहा है। बराबर चल रहा है। किसको आप एज दे रहे हैं गुजरात में, कौन है? ऑफ कोर्स बीजेपी। ऑफ कोर्स बीजेपी। कितनी सीटें? जो अमित शाह का टारगेट वो डेफिनेटली होगा। सुर लहरी वोट की किधर जाएगी, किसके हक में जाएगी? सुर लहरी तो बीजेपी है, लेकिन काफी सारी एरिया ऐसे है वहाँ पे कांग्रेस भी आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो कार्यकर्ता है वहाँ पे काफी कांग्रेस ने भी किया है, तो सीट भाजपा की आएगी, लेकिन कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे कांग्रेस भी आ सकता है। इन्होंने तराजू को बैलेंस करने की कोशिश कर दी है। अंदर घूम रहे राहुल गांधी। मंदिर मंदिर तो ये दोनों का, बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा। तो मंदिर मंदिर का बिल्कुल खिलाफ हूँ, मंदिर मस्जिद खिलाफ है, ये खाली बनावट दिखावा है। मंदिर में जाके क्या फायदा, किसका भला होता है? जो होने जो जिनका करना है, जो करने वाले है, वो गलत करके भी आएंगे और कुछ भी है, लेकिन वोट तो हासिल करने की कोशिश है। हाँ, वो सब कोशिश करते हैं। मैं तो चाहता हूँ कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों एक ही सिक्के के दो तरफ एक ही है। हाँ। और किसी का मैं फेवर नहीं करता हूँ। हाँ। क्योंकि जो लोगों की हालत खराब है
ऐसा नहीं है विकास हुआ, विकास शहर में हुआ, गांव में जाके देखिए क्या विकास हुआ है। मैं मेरे गांव की बात करूं, मैं गरडेश्वर जो नर्मदा प्रोजेक्ट है मेरा एरिया, मैं वहां का रहने वाला हूं लेकिन यहां सेटल हूं, वहां क्या पोजीशन ऐसी खराब है, वहां पानी पीने का नहीं मिलता है। मुद्दा है नर्मदा की बातें करते हैं लेकिन गांव में पानी नहीं है, वाकई गांव में क्या हालत? हाँ, बहुत सारे गांव में ऐसा है अभी, उसमें थोड़ा विकास की जरूरत है अभी। चलिए, यहाँ पर त्योहार के मौके पर हमारे कुछ मित्र है यहाँ पर, कहाँ रहते हैं आप? बाजार साइड रहते हैं। वोट देते हैं? वोट देते हैं। किसका जोर है इस बार? कांग्रेस का। कांग्रेस का जोर है, क्यों? क्योंकि अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है भाजपा तरफ से। विकास से मतलब क्या है आपका? जो नौकरियां नहीं है मिलना चाहिए, जो एजुकेशन नहीं करते हैं वो अभी मिलते नहीं है। मैं एक बात करना चाहता हूँ, ये जो इलेक्शन के अंदर बहुत सारे बोलते हैं कि खेडूत का विकास नहीं हुआ या जो विकास नहीं हुआ, मैं गांव का इधर से 40 किलोमीटर दूर गांव है उमल्ला करके, एग्रीकल्चर कनेक्शन जिसका 5 किलोवाट का 5 लाख रुपया होता है वो सिर्फ मुझे 25,000 में दिया, और जो कोई बैकवर्ड क्लास का होता है उसको सिर्फ 5,000 में गवर्नमेंट ऑफ गुजरात दे रही है। ये सुबह से 9 बजे जैसे ही सूर्य प्रकाश आता है तो मेरा पूरा फार्म के अंदर पानी चालू हो जाता है, 5:30 बजे तक जैसे ही सूर्य प्रकाश खत्म होता है तब तक मेरा लाइट रहता है, खंभे की भी जरूरत नहीं है कि लाइट की कोई प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है। ये सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं, सूरज भगवान की बात कर रहे हैं, और मेरा सूरज और दिया है तो वोट उनको मिलेगा? वो तो दिया है लेकिन बजट ने अभी की सरकार ने दिया है ना, जो 5 लाख की चीज है वो सिर्फ 25,000 में मुझे दिया है। मोदी और बीजेपी दोनों एक सिक्के की दो बाजू है, एक तरफ विकास है एक तरफ मोदी है, और मोदी है तो गुजरात है और गुजरात है तो भारत है। अच्छा काम किया मोदी जी ने, अच्छा काम किया मोदी ने। मैं गुजरात सरकार की बात कर रहा हूँ, गुजरात सरकार भी अदर स्टेट की कंपैरिजन में गुजरात आगे है सबसे। गुजरात में मोदी के लिए कोई कमी नहीं है, मोदी ने डेवलप जो किया है वो किसी ने नहीं किया, क्योंकि नेटिव गुजरात का है मोदी। एजुकेशन बोला आपने, एजुकेशन बहुत महंगा है यहाँ पर, और ये एक चैलेंज है जो बीजेपी को मुद्दा उठाना चाहिए अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी, क्योंकि ये एक चीज है जहाँ पर वो लैकिंग है। कसक चौराहे पर ये कसक तो सही है कि एजुकेशन का मुद्दा जरूर है यहाँ पर, एजुकेशन महंगी हो गई है, और इस बात की कसक आप लोगों के भी दिल में है क्या? मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ कॉलेज का, जो एजुकेशन है उसमें थोड़ी खामी है लेकिन इंडिया में गुजरात में एजुकेशन अच्छा है, जो डोनेशन होता है उसमें कुछ बीजेपी को सोचना चाहिए। डोनेशन होती है उस पर सोचना चाहिए। कसक चौराहे पर तमाम लोगों से हम बात कर रहे हैं, निकल के क्या आ रहा है या आप खुद सुन रहे हैं, आखिर क्या होगा, इशारा दे रहे हैं गुजरात के भरूच के वोटर्स, आगे चलेंगे और जगह पर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन भरूच समझा रहा है कि आखिर भरूच के लोगों का ध्यान किस तरफ जा रहा है। कहते हैं अगर किसी को तलाशना हो और कुछ जानना हो तो चाय की थड़ी की तलाश कीजिए, भरूच में है गुजरात में हम इस वक्त, और जब लोगों की तलाश हमने कोशिश की तो खत्म हुई चाय की दुकान पर, और चाय की दुकान पर यूं होता है कि कई सारे विचार मिल जाते हैं, कई सारे लोग मिल जाते हैं, निशान से ही पता चल रहा है। क्या होगा इस बार? ये इस बार चुनाव का अगली बार जो भाजपा आई थी, ये बार ये भाजपा वाले सोचते होंगे कि हमारी सीट आएगी मगर नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि बहुत त्रास किया उसने, GST लगवाया, नोटबंदी कर दिया, बेकारों को रोजी नहीं मिल रही, गरीबों को रोजी नहीं मिल रही, पैसा नहीं है इसके पास, क्या करेंगे, सब लोग ऐसे मुंह फिर गए। इस बार क्या होगा गुजरात में? बीजेपी सरकार आएगी सर, बीजेपी आएगी 100%। कांग्रेस तो ये बोल रहे हैं कि भत्ता देगी, कांग्रेस कुछ नहीं, वो तो अलग अलग सोच है। गुजरात काफी बदला है, आप देखो पिछले 7 साल में जो कांग्रेस ने नहीं किया है वो बीजेपी ने किया है, और बीजेपी ने जो किया वो कांग्रेस की औकात नहीं है। अच्छा, अगर करना होता तो पिछले 7 साल में कर लिया होता। तो फिर मोदी को क्यों आना पड़ रहा है यहाँ, यहाँ की सरकारी प्रचार कर लेती फिर तो? मोदी का आने का रीजन ऐसा नहीं है कि वो इलेक्शन की वजह से आ रहा है, उसको तो पब्लिक के बीच में रहने का शौक है। अच्छा, उसको कभी देखा है कि पब्लिक के बीच से कहीं हटाओ, कहीं पे भी जाओ वो खुला घूमता है, उसको किसी का डर नहीं, हो खुद कहते हैं कि जिसके अंदर जोर हो मेरे को हटा के दिखाए, मैं सामने। अरे ये जो मोदी बोल रहा है कि मकान बनाया, किसका मकान? मेरा खुद का मकान नहीं है। अच्छा, बराबर। मेरे गांव में, मेरे नया सुकल्दी गांव यहाँ नजदीक में है, यहाँ से 8-10 किलोमीटर, वहाँ पे देखो तुम हालत देखो गांव की, गांव है मगर उसकी पंचायत नहीं है आज तक, गांव की पंचायत नहीं है। किस चीज की कमी है गुजरात में? मैं तो खा पी के सुखी हूँ। हाँ, मेरे कोई से कोई लेना देना नहीं है, मैं कमाता हूँ मेरा, खाता हूँ मेरा।
वोट देंगे तो किस बात पे देंगे? वोट तो मैं वोट का राजा मैं हूँ। अच्छा। मैं बंद बाने वोट देता हूँ, मैं किसी को नहीं बोलता। अब हम तो उसी को चाहेंगे जो मध्यम वर्गी को अपने ध्यान में दे। मध्यम वर्गी को जो ध्यान में देगा वही आएगा। तो अभी तक जो सरकार थी उसने मध्यम वर्गी को ध्यान में लिया कि नहीं लिया? मैंने तो नहीं देखा। एक ऐसी चीज जो आप देखना चाहें कि गुजरात में बदलाव के तौर पर आए? बदलाव इस तौर पे कि सबको नौकरी मिलेगी। सर नौकरी ऐसा बोल रहे, राहुल गांधी जी बोल रहे कि मैं गुजरात गया नौकरी नहीं है। अगर गुजरात में नौकरी नहीं है तो यूपी बिहार वाले यहाँ पे क्यों रुकते, जो बरसों से पड़े हैं यहाँ पे? अगर नौकरी नहीं तो चले जाए अपने गाँव, यहाँ पे क्यों पड़े? वो बोल रहे बेकारी है, तो बेकारी है तो आते क्यों है गुजरात में? चलिए कुछ चीजें जो अभी तक छुपी हुई थी बात करते हुए वो अब सामने निकल कर आ रही है। ये दोनों चीजें देख लीजिए, ये दो लोग अपनी पहचान बता रहे हैं और इन्होंने साफ कर दिया कि कौन किसकी तरफ है। कैमरा पर्सन मिशन निर्मल के साथ राजीव शर्मा, भरूच।